अभी स्टार्ट करें? हाँ हाँ एकदम प्लीज। हाँ स्टार्ट, आपको सब सुन रहे हैं। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मणिपुर से हूँ, मेरा नाम है विद्यानी इस्लाम। अभी मणिपुर का हालत अभी क्या बोले हम, अभी बहुत ही बुरा सिचुएशन में है हम। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी जो लोग प्रॉमिस करके अभी हमको वो कह के गया है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो लोग चाहे तो ये सब जो हो रहा है मणिपुर पर, वो दंगा फसाद ये सब हमारे मैतेई लोगों के, ये कुकी लोगों के, ये हम पर अटैक करना, ये सब एक बस कुछ ही घंटों में अगर मोदी जी चाहे तो रुक सकता है। पर वो लोग हमको प्रॉमिस करके तो सोरा है, वो अमित शाह आके यहाँ पे बोल के गया है कि सब नॉर्मल होगा, सब कुछ होगा, हमारे ये स्टेट का इशू जल्द ही खत्म होगा। पर ये बोलने से नहीं होता ना। हम लोग ये अभी यहाँ का लोग 140 लोगों का अभी जाने गया है अभी। और अभी हमारे रिलीफ कैंप पर अभी 60,000 लगभग 60,000 लोगों का अभी रिलीफ कैंप है। और कुछ ही लोग तो यहाँ अभी उसके रिलेटिव के घर या कुछ दोस्तों के घर यहाँ रुककर वो गया है। उन लोगों का घरों को जलाया गया है। बस वो कुकी जो लोग इमिग्रेंट बन के हमारे स्टेट में आया है, उन लोगों का हमारे स्टेट पर वो लोग उसका स्टेट लैंड बनाना चाहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? इमिग्रेंट इमिग्रेंट कहाँ से आए ये लोग? ये लोग खास करके म्यांमार से आया है। अच्छा, म्यांमार से जो इमिग्रेंट आए हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं। आज भी किसी की जान गई है? यहाँ वो 140 के ज्यादा से लोग जान गया है। अभी अभी बहुत सारे घरों को ये जला गया गया है। अभी अरे घायल लोगों का तो अभी नंबर में अभी काउंट में नहीं है। इतने लोगों को ना इतना वो हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो लोगों के पास तो हथियार है पर हमारे पास तो हथियार नहीं है। हम तो बस वो सीधा साधा से वो सिटीजन है हम। और ये लोग खास करके ये लोग नॉर्मेटिक टाइप है एक तरह से, तो जहाँ जहाँ वो लोग जाता है वो लोगों का वहाँ पे घर बसाने के लिए वो लोगों का अभी तरीका बस पता नहीं। वो लोगों का यह इतना वायलेंस करता है ना, जानवरों से बदतर ये करता है। ओके अच्छा, मुझे मुझे एक चीज और बताइए, आज आप लोग गवर्नर से भी मिले हैं क्या? अभी यहाँ पर हमारे लोकेलिटी के एक लड़के का अभी जान गया है, इसलिए अच्छा, आज ही गया है यहाँ से। हाँ हाँ ओके। तो उनके बंदर वो उसका अभी इतना लोगों का जाने गया है, तो ये हर हर दिन का यही हो रहा है। तो अभी हमारे ये यहाँ का मांग है कि ये कब तक चलता रहेगा। बस ये सब रोकने के लिए हमने मेमोरेंडम दिया है सीएम को और वो गवर्नर को। ओके। अरे हम बहुत बार गया है, मेमोरेंडम दे के ना हम थक गए। अभी हम यहाँ फार्मर लोगों का अभी अभी खेती बाड़ी का अभी टाइम है, पर ये हम जोग्राफिकली देखे तो एक हमारे यहाँ का बस 10% हम वो वैली का रीजन है, बाकी के सब हिली एरिया है। यानी कि ये ट्राइब लोग हमारे हमको घेर के चारों तरफ से हमको घेर के हिली रीजन पे वो लोग रह रहा है। बस अच्छा। लगभग 10% लोगों का यहाँ पर मैतेई लोग, या बस मैतेई लोग ही नहीं, यहाँ पे भी ये ट्राइब लोग भी बसा हुआ है और वो हमारे स्टेट के बाहर के लोगों भी ये सब बसा हुआ है। अच्छा। ये 90% के ऊपर के यही जमीन पर ना हमारे कोई हक नहीं है। देखिए ये कहाँ का इंसाफ है? बस हमको भी ना ये हाल ही में समझ में आया कि ये सब क्या, अभी क्या ही बोले। पर ये
लगभग 2 महीने के ऊपर हो गया ये दंगा फसाद चले हुए, पर चले आ रहे, पर मोदी जी आज आज तक चुभे कि क्यों। अच्छा इतने मुझे हम लोग मणिपुर अभी इंडियन नहीं है क्या? ऐसा नहीं पर है, यही पूछना है उनसे। हमारी हमारी ऊपर इतना ये हो रहा है, पर वो आज तक एक भी शब्द नहीं बोला, बस वो चुप थे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कितने महीनों से ये सब चल रहा है? अभी 3 मई से अभी चल रहा है। अच्छा अभी आज तो 10 जुलाई है ना। और आप इंटरनेट यूज कर पा रही हैं? अभी 4 मई से तो सारा के सारा वो इंटरनेट भी बंद हो गया। बस यहाँ का स्टूडेंट लोग हम किस हाल में है, बस आप लोग कुछ सोच भी नहीं सकते कि हमारे हालत यहाँ पे क्या हो रहा है। जो खेती बाड़ी करने का जो वो फार्मर्स लोग का अभी अभी अगर इसी तरह चलता रहा तो अगले साल हम कुछ भी नहीं, हमारे सिर में अगर वो खेती बाड़ी नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? वो खेतीबाड़ी में खेतीबाड़ी करने के लिए लोग गए तो ऊपर से वो कुकी लोग ना जो इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन उनके पास है, उन लोगों का बस अटैक ही होता है। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स? हाँ हाँ बहुत बहुत, वो मिलिटेंट फोक है ना, तो इन लोगों के पास इतना वेपन्स है कि हम लोग अगर खेतीबाड़ी करने के लिए अगर जाए तो वो लोग ऐसे करेंगे। जो सेंट्रल फोर्स यहाँ पे इतना वो आया हुआ लोग हैं, वो हमको प्रोटेक्शन नहीं दे सके तो वो लोग यहाँ पे रुक के क्या करेगा? अभी यहाँ का ये महिला लोग हमारे लिए ये लोकल का लोग यहाँ स्टेट का सारे के सारे लोग यही डिमांड हो रहा है कि हमारे यहाँ से सेंट्रल फोर्स को हटाया जाए, बस हम अपने आप ही जो भी होगा हम अपने आप ही वो प्रोटेक्शन करेंगे। उनके उनके रहने के मुताबिक वो लोग अगर हमको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो वो लोग क्या कर रहा है? खाली हम जो मिलिटेंट लोग हमको अटैक कर रहा है, यानी कि मिलिटेंट लोग यानी वो कुकी हमको अटैक करते ही जा रहा है, बस हम लोग क्या ही कर सकते हैं? हमारे पास तो बस खुशी लोगों का जो वो लाइसेंस गन है उसे ही हम डिफेंस करते ही जा रहे हैं, पर उन लोगों का यहाँ ना अभी अभी बस क्या क्या बोले हम? अभी हमारे हालत इतना इतना बुरा है कि हम अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या पता हमारे ये मैतेई कम्युनिटी लोग ये मणिपुर के स्टेप से ना मिट जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसको हम लोग अपडेट करेंगे, इसको हम लोग आगे भी भेजेंगे, हम लोग हर जगह आपके आवाज को पहुंचाएंगे, है ना। और हम कोशिश करेंगे कि और उम्मीद करेंगे कि आप सकुशल रहें अपने बच्चों के साथ। और वहाँ पे जो और जो मैंने एक चीज और सुनी है, अगर आप मुझे इसके बारे में कुछ बता पाए कि क्या वहाँ पे औरतें रात में सो नहीं रही हैं प्रोटेक्शन की वजह से, हौसला अफजाई के लिए, ऐसा कुछ है क्या? क्या है वो? ये सब ना ये हमारे स्टेट का यही है कि हमारे यहाँ का औरत लोग का यहाँ पर उसको वो महिला पार्टी बोलते हैं, यहाँ का औरत लोग जो हमारे डिफेंस के लिए जो लोग हम वो दंग में जा रहा है ये सब लड़का उन लोगों को हौसला वो उसको हौसला देने के लिए हम लोग ना रात भर यही सड़क पर ना जाके उसको पहरेदार दे रहे हैं। हम ठीक से सोया वो रात भर सोया भी नहीं और अभी दिमाग पे इतना चल गया हमारे पास, हमारे ऊपर इतना टेंशन है कि हम ठीक से खा भी नहीं सकते, ठीक से काम कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये अभी बोले तो क्या बोले, हमारी कुछ बोल भी का अभी हालत में भी नहीं है कि कब क्या होगा हमारे जान। अभी मैं जो बोल रही हूँ ना हमारे साथ अभी अगले घंटे में या अगले मोमेंट में क्या होगा ये भी नहीं बोल सकते हम। नहीं हम प्रे करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए आपकी तरफ, और हम ऊपर वाले से प्रार्थना भी करेंगे कि आपके यहाँ जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। और आपकी जो आवाज है मैं कोशिश करूंगा, हमारे लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों तक आपकी आवाज जाए और वहां पे जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। थैंक यू थैंक यू। अगर ये अगर ऐसा हो जाए तो
हमारे ऊपर ना बहुत नहीं, आप परेशान ना हो, सब कुछ जल्दी ठीक होगा, है ना, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होगा, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे। आपने जो हमारे अंदर डर है कि नहीं, डर लाजमी है आपका, आने वाले बच्चे का ना, ये उनके भविष्य में क्या होगा, अभी सेशन पढ़ने, वो पढ़ाई पढ़ाई का सेशन अभी रुका हुआ है, अभी बच्चे नहीं पढ़, अभी आगे जेनरेशन के बारे में अभी हम अपनी जान के लिए अभी सोच रहे, अभी ये आगे का पढ़ाई के लिए अभी अभी क्या हमारे ऊपर ना कुछ सोचने का अभी कुछ भी नहीं है, अभी हम क्या, हम बोले तो क्या बोले अभी। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी बातों को, एंड मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए कि हम आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज आगे तक जाए, और अगर हमें कुछ फोटोज मिल पाती, बट आप, मुझे पता है वहां पे कुछ चल ही नहीं रहा है, तो अभी नेट बंद है, इसलिए कोई टुकड़े भी आपके साथ, आप लोगों के साथ कोई भी अभी शेयर नहीं कर सकते। अभी हम सुनने को आया है कि अभी वो कुकी लोगों का